जो केंद्र वालों को लागू है वो हमको भी लागू करवा लेना चाहिए, ये हमारी बुद्धिमता है। अब भाई यूपीएस का विरोध करने लगे कि वो यूपीएस लागू नहीं होना चाहिए। तुम्हें लागू की किसने? यूपीएस किसने लागू की? तो नमस्कार साथियों, मैं हूं अरुण अंसारी, आप देख रहे हैं मालवा का मोती यूट्यूब चैनल। आज मालवा की वैष्णो देवी कही जाने वाली माँ भादव माता के दरबार में हम यहाँ पहुँचने वाले हैं। आज यहाँ अध्यापकों का एक बृहद सम्मेलन यहाँ होने वाला है। आज़ाद अध्यापक शिक्षक संघ के बैनर तले यह सम्मेलन यहाँ होने वाला है, जहाँ प्रांताध्यक्ष भाई भरत पटेल यहाँ उपस्थित होने वाले हैं। तो हम सीधे चलते हैं कार्यक्रम स्थल पर। अभी मेरे पीछे यहाँ देख रहे हैं आप, यह है महामाया भादव माता का गेट, और यहीं से हम एंट्री करते हैं और उसके बाद में पहुँचते हैं कार्यक्रम स्थल पर। तो साथियों, भाई भरत पटेल हमारे बीच में आ चुके हैं, अभी माता जी के दर्शन करने जा रहे हैं वो, और कुछ ही देर के बाद में वो हमारे बीच में उपस्थित होंगे। आप आज माता भादवा जी के दरबार में हम सभी अध्यापक शिक्षक संवर्ग कर्मचारी यहाँ पर आए हुए हैं। आज माता से हम निवेदन करेंगे कि हमारे अध्यापक शिक्षक संवर्ग को पुरानी पेंशन यूपीएस पेंशन लागू की जाए, जो भी लंबी समस्याएं हैं उन पर आप। होती कैसी है? धरना कभी दिया ही नहीं है, हम नेता बने हैं। आंदोलन कभी किया ही नहीं है, हम नेता बने हैं। कभी सस्पेंड हुए नहीं है, नेता बने हैं। कभी वेतन कटी नहीं है, नेता बने हैं। तो ये सिस्टम आजाद के पास नहीं है। यदि मुद्दा उठाएंगे तो मुद्दे को हल कराने की औकात रखते हैं लोग। आरोप वही लोग लगाते हैं जो ये निठन्ने होते हैं या निकम्मे होते हैं। जो कमाते हैं वो संघर्ष पर भरोसा करते हैं। आपने हमेशा देखा है उसमें कभी गलती नहीं निकालेगी, और जो आपके घर में कमा के लेके आएगा वो कभी गलती नहीं निकालेगा, और जो निठन्ना घर बैठे बैठे खाएगा सारा 100% की गलती निकाल देगा जो संघर्ष। इसलिए साथियों, बहुत से लोग हैं, ऐसा होना था, वैसा होना था, जे होना था वो होना था। भैया नहीं हुआ तो तू घर का कोई बैठा है? ऐसा होना था, वैसा होना था, जे नहीं हुआ तो तू भूख हड़ताल में का नहीं बैठा? तू अनशन में का नहीं बैठा? किसको बता रहा? अरे ये सारी चीजें भाई समझ से परे हैं। जो कुछ नहीं कर सकता उसका काम रहता है आरोप लगाना। साथियों, जिस मामले को मेरे को नहीं बोलना चाहिए सार्वजनिक तौर पर, लेकिन मजबूरी होती है कि जो लोग नेतृत्व तो कर रहे, यदि वो खुद नहीं समझ पा रहे तो फिर वहां पर बात कैसे करेंगे अधिकारियों से? वो खुद नहीं समझ पा रहे कि हम डिमांड क्या कर रहे। अब किसी के झड़ गए सिर के, वो डॉक्टर कहां पकड़ के ले गए, इनको कैंसर हो गया।
अब भाई उम्र आ गई, वो बाल झड़ गए, अब तुम जबरान उठाए, वो अभी पता ही नहीं है आपको, चेकअप नहीं कराया आपने। इसी प्रकार से लोगों को बता दिया कि बरिश्ता खत्म हो गई, लग गए लोग बरिश्ता खत्म हो गई। अब बात आती है आपकी शिक्षा कर्मी की समय से, जब से 2016 से जब से आपको फायदा मिलना चालू हुआ, कुछ लोगों का तभी से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। 1998 से लेकर के 2015 तक कोई भी वेतनमान नहीं मिला था, न पांचवा वेतनमान मिला, न छठवा वेतनमान मिला, और दूसरे वेतनमान की चर्चा नहीं हुई। जब हम अध्यापक संवर्ग में भी आए तो जो अन्य शिक्षक थे, आपका मूल वेतन जो था 3,000, 4,000 और 5,000, लेकिन जब हमें छठवां वेतनमान मिला तो आपके वेतन में जो नहीं था, 3,000 वाले को 4,000 में 1.8 सिस्टम गुणा करवाया, 74-40 करवाया, जिसका 4,000 बेसिक था उसके 5,000 में 1.8 सिस्टम गुणा करवा करके आपको 93 से का स्केल दिलवाया कि नहीं दिलवाया अध्यापक संवर्ग को, और जिसका 5,000 का स्केल था वरिष्ठ अध्यापक का, उसको 5,500 में 1.8 गुणा करवा करके आपको 10,230 का लाभ दिलवाया कि नहीं दिलवाया। जो नहीं था आपका वो मिला है आपको, उसके बाद कहते हो कि हमारा नुकसान करवा दिया, जिस चीज की कभी कल्पना नहीं की जा सकती थी। उसके बाद तमाम कर्मचारी हैं, आज तक भारत देश में कोई ऐसा कर्मचारी नहीं है जिसको 2 साल के अंदर दूसरा वेतनमान मिल गया हो। वो अध्यापक संवर्ग है कि 2016 में उसको छठवां मिला और 2018 में 7वां वेतनमान उसने ले लिया। हम नगर निगम के कर्मचारी रहा करते थे, नगर पंचायत के कर्मचारी रहा करते थे, तो एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में ट्रांसफर हो जाता था तो वरिष्ठता खत्म हो जाती थी। यदि हमारा वरिष्ठ अध्यापक भी यदि नगर निगम से यदि जिला पंचायत चला जाता था तो वरिष्ठता खत्म हो जाती थी। आज वो करवाया है हमने, यदि हमारा वरिष्ठ अध्यापक पूरे प्रदेश में कहीं भी ट्रांसफर हो जाए तो उसकी वरिष्ठता समाप्त नहीं होगी। आज माध्यमिक शिक्षा यदि वह पूरे संभाग में कहीं भी चला जाए तो उसकी वरिष्ठता समाप्त नहीं होगी। आज जो आपका प्राथमिक शिक्षक है पूरे जिले में कहीं भी ट्रांसफर हो जाए तो उसकी वरिष्ठता समाप्त नहीं होगी। आज वो स्थिति है कि जो पुराने शिक्षकों का वेतनमान है वो हमारा वेतनमान है, जो उनका विभाग है वो हमारा विभाग है, जो उनका नियुक्ता कर्ता अधिकारी है वो हमारा नियुक्ता कर्ता अधिकारी है। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि तुम भी शिक्षक हो तो हम भी शिक्षक हैं। सारे भेदों को समाप्त करने का काम किया है। अब आप कहो कि वरिष्ठता, तो आपकी उम्र का आधार क्या होता है कि आपका जन्म कितने जन्मदिन मना दिए गए आप उतने वर्ष के हो गए, और कर्मचारी का क्या होता है कि उसकी कितनी वेतन वृद्धि लग गई, वार्षिक वेतन वृद्धि उसकी सेवा उतने वर्ष की हो गई। किसी व्यक्ति की यदि उम्र की गणना होगी तो उसके जन्मदिन के आधार पर होगी कि इतने जन्मदिन मना लिए या नहीं, इतने वर्ष का हो गया। वो कर्मचारी की जो है गणना उसकी वार्षिक वेतन वृद्धि के आधार पर होती है कि वो कितने वर्ष का हो गया,
आज खुद बताओ आप, यदि आप किसी अधिकारी के पास जाओगे कि हमारी वरिष्ठता समाप्त हो गई, वो कहेंगे एक काम करो आप अपने जिले की वरिष्ठता सूची लेके आ जाओ। और जब आपके जिले की आपकी नियुक्ति दिनांक क्या लिखी है वरिष्ठता सूची में, तो आप क्या बताओ? 98 वाले क्या लिखी है आपकी वरिष्ठता सूची में? 18 लिखी है क्या? आपकी प्रथम क्रमणति क्यों कब मिली? यदि 18 में होते तो 12 साल की क्रमणति मिलती क्या? यदि आप 18 की आपकी सेवा नियुक्ति साल में कैसे मिल गई आपको 24 साल की क्रमणति? भाई जो क्रमणति 12 साल में मिलती है वो आपको 6 साल में कैसे मिल गई? जो क्रमणति आपको 12 साल में मिलती है वो आपको 6 साल में कैसे मिल गई? ये तर्क हम अधिकारी को कैसे सिद्ध करें? वो कहेगा नहीं, हमने तो 24 साल किया बोरे, आपको 24 साल की क्रमणति दी है और तुमको नहीं, हम 6 साल के हैं। तो बताओ कैसे सिद्ध करोगे? कैसे सिद्ध करोगे? बोल बस देते हो तुम लोग। अब उसका कारण है कि अब कुछ लोग कहते हैं कि ग्रेजुएटी नहीं मिल रही। भैया आप जब शिक्षा कर्मी थे एक आदमी बता दो तो किसी को ग्रेजुएटी मिली हो। जब आप अध्यापक बने एक आदमी बता दो किसी को ग्रेजुएटी मिली है क्या? 2018 के पहले किसी को ग्रेजुएटी मिली क्या? जो आपके नियुक्तकर्ता अधिकारी थे, नगर निगम के अधिकारी, नगर पंचायत के अधिकारी, जनपद पंचायत के अधिकारी, उनके द्वारा जितने कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है, किसी को एक को ग्रेजुएटी मिली क्या? आप 18 में काय के कर्मचारी थे, स्थानीय निकाय के कर्मचारी थे, उस समय पे आपको पेंशन और ग्रेजुएटी की पात्रता थी क्या? थी। किसी को मिली? और यदि आपको अध्यापक संवर्ग में किसी को मिलती रही वो बंद हो गई, तो भैया हमने बंद करा दी, हमें लटका दो आप। और जब पहले ही नहीं मिलत रही और अब हमने चालू करा दी, तो हम कहां के दोषी हो गए? पहले यदि मिलती रही हो और अब बंद हो गई हो तो वो आपका नुकसान है। वो पहले कुछ मिलते नहीं रहा और अब धीरे धीरे मिलना चालू हुआ, जब तुमको फायदा हो रहा तो कह रहे हमारी सत्यानाश करा दी। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? उसके बाद को प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री के सामने आप सिद्ध कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? जो बात यहां पर आप अध्यापकों को गुमराह कर रहे उसको शिक्षा मंत्री के सामने आप सिद्ध कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? आज के बाद सुन लेना आप कि किसी की भी एक दिन की भी वरिष्ठता समाप्त नहीं हुई है। और ये मैं पहले भी बोलता रहा, न समाप्त हुई है और न कभी समाप्त होगी। आप छठवां वेतन मान लिया, सातवां वेतन मान लिया, शासकीय कर्मचारी, बहुत से लोग पहले गुमराह किए, वेतन मान मिला, बहुत से कर्मकांड किए गए, विद्यमान वेतन मान से तत्स्थानी वेतन मान का गणना पत्रक जारी हुआ कि जिसका जितना वेतन है उसके बदले में उसको वेतन लागू किया जाए। आप जो गणना पत्रक जारी हुआ है विद्यमान वेतन से तत्स्थानीय वेतन का, उसको ले लो, वरना नुकसान के अलावा आपका एक रुपये का फायदा नहीं होने वाला है। और आखिर में क्या हुआ, 2006 वालों की एक एक दो दो वेतन वृद्धि निपटा दी, और 2003 वाले का और 2004 वाले का कम से कम 8 वेतन वृद्धि का अंतर हो गया। 2004 वाले से 3 वाले से पूछो कि आज उसका वेतन कहां है, आज 4 वाले का, और 2003 वाले का वेतन कहां पर है ये। उसके बाद तुमने उस गणना पत्रक को निरस्त तो करवा दिया, लोगों का नुकसान करवा दिया, 2006 वालों का नुकसान करवा दिया, फिर सुधरवाने के लिए कोई भूख हड़ताल में बैठा क्या, अनशन में बैठा क्या?
निपटा दिया। अब उसके बाद में बात आती है कि आपको ग्रेजुटी क्यों नहीं मिल रही है, 98 से ग्रेजुटी क्यों नहीं मिल रही है। तो ग्रेजुटी का शुद्ध नियम है कि किसी भी कर्मचारी ने शासकीय सेवा के रूप में 5 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो उसे ग्रेजुटी की पात्रता है। कर्मचारी थे वो पहले भी आपके सारे आदेशों में लिखा जाता था कि ये सिर्फ आपको पेंशन की पात्रता नहीं होगी। सारे आदेशों में जितने शिक्षा कर्मी और समुदाय शिक्षक के आदेश हैं उन सारे आदेशों में ये आपको प्रदोन्नति और क्रमोन्नति के लिए लागू होगा। जो अभी ग्रेजुएटी मिल रही है वो किनको मिल रही, जिनकी 5 वर्ष की सेवा नहीं हुई थी शासकीय कर्मचारी के रूप में, एक को भी ग्रेजुएटी नहीं मिले, वो प्राथमिक शिक्षक रहे हो, माध्यमिक शिक्षक रहे हो, उच्च माध्यमिक शिक्षक रहे हो, रिटायर हो गए लेकिन 1 रुपया नहीं मिला। लेकिन 1 जुलाई 2023 के बाद जो भी रिटायर हुआ एक भी आदमी बाकी नहीं है जिसको ग्रेजुएटी ना मिलती रही। अब ग्रेजुएटी मिलेगी कैसे? अब किसी को भी मैं बता देता हूं कि तुम्हारी ग्रेजुएटी बनेगी कैसे। अब जैसे आप खड़े हो जाए, आप बीच में खड़े हो जाए, 98 की, आप रिटायर कब होंगे? 2037 में। अब ये 2037 में रिटायर होंगे, यदि इनको 2018 से भी मान लिया जाए और जे 37 में रिटायर होंगे तो अभी कितने साल बाकी हैं आपको रिटायर होने? 13 बाकी हैं और 6 जे हो जाएंगे 19। तो सारे लोग अब बुरा लगाना है आप लोग, इनकी ग्रेजुएटी में बता रहा हूं 60-70 हजार मिलता होगा उस समय पर, इनको 19 साल बाद मिनिमम 1.5 लाख रुपया इनका वेतन होगा। अब सब लोग अपना मोबाइल निकाल लो, मोबाइल निकाल लो। अब आप 15 × 1.5 × 19 / 30 कितने आ गए? और जो अगले साल रिटायर होगा, ऐसा कौन बैठा है यहां पर जो अगले साल रिटायर होगा? है कोई? आप है। आप कौन से पद? प्राथमिक शिक्षक। इनकी ग्रेजुएटी में बता देता हूं कितनी मिलेगी इनको ग्रेजुएटी, इनके भी करो 15 बोले, अभी कितनी पेमेंट होगी? 65। 15 × 65 करो और 7 करो, 7 वर्ष और 30 कर दो, 2,87,000। अब जैसे जैसे आदमी बाद में रिटायर होते जाएंगे उनको ग्रेजुएटी ज्यादा मिलती जाएगी। अब आपके आज अभी पहले शादी हो गई, उनको साइकिल मिली थी, पिताजी की बाद में भाई तो मोटरसाइकिल मिली, अब तुम्हारी शादी तुम्हारे लड़के की होगी तो कार मिलेगी और उसके लड़के की होगी तो हेलीकॉप्टर मिलेगा। अब तुम कहने लगो भी भरत पटेल हमारे आज अभी शादी हुई थी मोटर साइकिल क्यों मिली कार दे रहा, तो हम तुम्हारे आज आपको नहीं दिला सकते, तुम्हारे लड़के को बताओ उसकी हम दिलवा देंगे। तो ये जैसे जैसे आप रिटायरमेंट की ज्यादा डेट होगी जैसे जैसे आपको लाभ मिलेगा। आप बहुत से लोग हैं आप भाई यूपीएस का विरोध करने लगे कि वो यूपीएस लागू नहीं होना चाहिए। तुम्हें लागू की किसने? यूपीएस किसने लागू की? कौन को लागू हो गई? आने शादी सेट नहीं और तलाक चालू, कोई ने बोला ही नहीं है तुम्हें कि यूपीएस लागू कर रहे हैं तुम्हें विरोध। अरे ये सिस्टम थोड़ा सुधारो भाई। अब दूसरी बात है ओपीएस,
अब ओपीएस दो, चुड़ियां नहीं फूटी। वो कहने लगी ओपीएस चाहिए, कैसे मिले? जब हम 2022 में आंदोलन में बैठे ओपीएस के लिए, 85,000 लोगों की वेतन कटी 17 दिन की। बताओ कितने लोगों की वेतन कटी आपकी? इतने लोगों की वेतन कटी। वो चाहिए कितने लोगों को है? सस्पेंड कितने भाई? सिर्फ दिव्या मैडम। और ओपीएस कितने को चाहिए? इन सबको चाहिए। ये दुर्दशा है। नीमच जिले के कितने लोग हैं इधर पर कर्मचारी अध्यापक, और आए कितने? अब इनको कौन देगा? अच्छा मुख्यमंत्री से बात करो कि साहब इनको ओपीएस दे दो या इनको ये दे दो। ये मांग कौन रहा? मांगने आया कौन? वो दे कौन वो? जब लोग मांगने से नहीं जा रहा है, वो कई भाई सम्मेलन बुला लो मुख्यमंत्री जी आप, कह लगे मैं बुला के दियों भाई को। भाई लोगों को जब जरूरत नहीं है, वो मांगने नहीं आ रहा है, तो मैं बुला के क्यों दूं? और जिन लोगों को बिना संघर्ष के मिल जाता है, वो कहते हैं वो तो मिलना ही था, वो तो मिलना ही था, सरकार ने क्या दे दिया और तुमने क्या दिला दिया? तो इनका कोई उद्धार नहीं है। जे अपने आप को बूढ़ा समझने लगे हैं, अब जे अंतिम संस्कार की तरफ जा रहा है। अब इन लोगों को ऐसा लगता है, अरे इतना राशन व्यवस्था करके रखते कि जैसे अपन खत्म हो गए तो अंतिम कार्यक्रम कैसे होगा? सिर्फ उसकी व्यवस्था मिलेगी इनके पास। अब उनको पेंशन एंशन अन्य चीजों से कोई चिंता नहीं है। जितने यहां पर बैठे हैं, इनके अब भी आप सैलरी इनकी पासबुक उठा के देख लो, किसी के पास 50,000 रुपए से ज्यादा नहीं होंगे। इनकी सबकी पासबुक खंगाल के देख लेना, किसी के पास 50,000 रुपए से ज्यादा जमा नहीं होंगे। अभी उधार मांग के देख लेना, 50 रुपए में देंगे। ये स्थिति है, सबकी पोल जानता हूं, और सब यदि इनकी पेमेंट इनको धरना में बिठा दिया जाए, उस सरकार इतना बस कहे कि जो तुमको 2 तारीख को वेतन दे रहा है 1 तारीख को, इनकी वेतन इस महीने रोक दो, 15 तारीख के बाद देंगे। ये दूसरे दिन का आंदोलन छोड़ के भगे आए कि नहीं हमारी वेतन नहीं रोकना, किस्त कट जाएगी। ये सब लोन लेके बैठे हुए हैं। और मर्द का मर्द कौन होता है? कर्ज होता है। यदि मर्द का कोई मर्द होता है तो वो कर्ज होता है, उसके हौसले खत्म हो जाते हैं। इसलिए साथियों, यदि पेंशन लेना हो तो कसम से सुबह से शाम नहीं होने देंगे। इनसे इस कार्यक्रम के लिए 500 रुपए मांग लिए जाए, प्राण निकल जाएंगे, प्राण। अब भोपाल में जब कार्यक्रम होगा तो कम से कम आपके 10-12 लाख रुपए, 8-10 लाख रुपए खर्च होते हैं। 8-10 लाख रुपए मतलब हम किसी से 500-500 रुपए भी लेंगे तो कम से कम हमें 4-5 हजार लोगों से लेना पड़ेंगे। चाहते तो सब है पेंशन हमें मिले। यदि एक दिन के टेंट के लिए हमारे लिए 4-5 हजार लोगों से हमें चंदा लेना पड़े, और यदि हमें 4-5 दिन टेंट गाड़ना पड़े तो 10-20 हजार लोगों से, और जो एक बार 500 रुपए दे देगा वो सीधे 3 लाख मुकड़ा कर देगा 500 का। बिल्कुल सही है।
500 घड़े 3 लाख, इतने करोड़ अंदर। और गाली देने लगा पाठ साहब में, चंदा चोर, आपसे एक बार पैसे लेते हैं तो आप पुरानी पेंशन बोलो भाई। जब आप ले नहीं सकते हो तो बोलते काय को। जब किसी लड़की से आप शादी को करने के लिए तैयार ही नहीं है तो जबराना फोटो लेके काय घूम रहे। तुम उठा लो ये जीत के लिए, आप कछू कर लो, भाभी हिम्मत नहीं है। वो मोहल्ला में बता तो मांग रहे पिज्जा, ऐसे शादी करने हैं। वो पूरी उम्र निकल गई, बूढ़े हो गए। तो हमारा कहना जी है भैया, मोहल्ला की बस सीधी शादी लड़के वही से कर लो और अपनी जिंदगी काटो। तो जी पुरानी पेंशन का जब केंद्र सरकार ने नहीं किया केंद्रीय कर्मचारियों को, तो तुम्हें कैसे लागू हो जाएगा? हो जाएगी बताओ। जब केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को, भाई केंद्र सरकार पुरानी पेंशन देती थी तो आपको पुरानी पेंशन यहां पर मिलती थी, फिर केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन बंद कर दी, एनपीएस लागू कर दी, तो उनको लागू हो गई तो तुम्हें लागू हो गई। अब दो पार्टियों का मामला जो वर्तमान में सत्ता है, भाई एनपीएस और यूपीएस वाली हो गई, और जो विपक्ष में है वह ओपीएस वाली हो गई। अब भैया जब तक है उबाने आए वो पार्टी, तुम्हें जब तक इंतजार करने हैं तो तुम वही को करत रहो। और यदि आपको ऐसा लगता हो कि एनपीएस में हम यदि रिटायर हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तो आपको कितने रुपए मिलेंगे? मुश्किल से 5,000-7,000 रुपया महीना मिलेंगे, 5,000 रुपये महीना। और यदि पर आप यूपीएस में खत्म होंगे तो आपके विधवा पत्नी को या आपके जो भी आश्रित है उसको कितना मिलेगा? 15,000 ने 60% पेमेंट। आपकी जो वर्तमान में पेमेंट है, यदि यूपीएस लागू होती है और आपकी मृत्यु हो जाती है तो कितनी पेंशन मिलेगी? 60%। यदि ओपीएस में भी खत्म हो गए तो उतनी ही मिलेगी, और यूपीएस में खत्म हो गए तो कितनी मिलेगी? उतनी ही। तो सबसे पहले व्यवस्था क्या करना चाहिए कि हम निपटने के पहले 10-12 साल बाकी है, लेकिन बीच में यदि पे कहीं धोखा हो गया तो बीवी को तो मिलेगी यार। तो अपनी व्यवस्था ना कर सको तो उसकी व्यवस्था तो कर दो रिटायर होने के पहले। और यदि उसके बाद संघर्ष करते रहो, यदि केंद्र वालों को ओपीएस मिल जाए यूपीएस की जगह, उनको लागू हो जाएगी तो तुम्हें भी लागू हो जाएगी। भाई यदि आपने AC1 का रिजर्वेशन करने के लिए फॉर्म भरा और डिब्बे खाली नहीं है, अब सीट खाली नहीं है, और आप जनरल में बैठे हो, और यदि सेकेंड AC का मिल रहा है आपको सीट, तो क्या करना चाहिए? सेकेंड AC में पहुंचने की कोशिश करना चाहिए। जब फर्स्ट AC का खाली हो तो उसमें पहुंच जाओ। नहीं, हम जनरल में बैठे बैठे रोज रो रहे हैं, बैठेंगे तो फर्स्ट AC में वरना जनरल में ही मर जाएंगे। इसलिए सबसे पहले आपका इस पे ध्यान होना चाहिए कि मैं कहता हूं कि यदि कोई को पुरानी पेंशन चाहिए तो मैं कहता हूं कि सबसे अच्छी पेंशन जो है पुरानी पेंशन। जब पेंशन अपने पास में एनपीएस लागू थी, वो सबसे बेकार जो पेंशन है वो एनपीएस है। अब उस समय पर पुरानी पेंशन और एनपीएस बस रही तो अपन लोग क्या मांगते थे कि पुरानी पेंशन दो।
अब सरकार ने क्या है, एक विकल्प लान के रख दिया यूपीएस। तो आप जब केंद्र में उनकी सरकार ने लागू किया और इधर पर उन्हीं की सरकार है जिनकी आपने लोकसभा में पूरी की पूरी सीटें दी है, ये वही पेंशन लागू कर है जो इनकी केंद्र सरकार ने लागू की है। इस बात को मानते हो? मानते हो जो केंद्र वालों को लागू है वो हमको भी लागू करवा लेना चाहिए, ये हमारी बुद्धिमता है। उसके लागू होने से ये होगा कि हमें परिवार पेंशन की जैसी पुरानी पेंशन में हकदार होते हैं, वैसे हम यूपीएस में भी पुरानी पेंशन के, परिवार पेंशन के हकदार हो जाएंगे किसी की आकस्मिक घटना हो जाए तो। अब रही बात की पेंशन कितने मिलेगी यूपीएस में, तो इधर पर कितने लोग हैं जिनकी अभी 19 और 20 साल सेवाएं बाकी है रिटायरमेंट का, 18-19 साल। अब जिनके जो 18-19 साल बाकी, तुम्हारे तो नहीं होंगे बाकी, तुम तो ऐसे लग रहे भी जैसे कल ही रिटायर हो जाओ। पानी दे बेटा भैया। तो जिनके अभी 19-18 साल बाकी है, इनमें से बहुत से लोग हैं। अब जैसे जो 98 वाले, आप कब के, आपका रिटायरमेंट कब है? 2030 में। अब इनकी पेंशन हम बता दे रहे हैं, अभी 2030 के 6 साल बचे और 6 साल ये हो गए, कितने हो गए? अपन 18 ही से गिनती कर रहे हैं, अब उधर से गिनती नहीं कर रहा है, वो तो भगवान की कृपा हो गई तो उधर से हो गए, नहीं तो 18 से ही गिन के चलो। अब आप 2030 से 12 साल, अभी आपकी पेमेंट होगी लगभग कितनी? 75 लगभग। अब सोच लो आप 2015 में कितनी मिलती थी आपको? 17-18 हजार और 22 हजार तक 2015 में, और 15 से अभी कितने साल हुए? 9 साल, और 9 साल में ये 20 हजार से कहां पहुंच गए? सोच लो फायदा हुआ कि नहीं हुआ। तो भैया भरत पटेल की जय क्यों नहीं बोल रहे हैं? भरत भैया की जय हो। सुन के जाना अच्छे से, और एक बात सुन लेना, इधर पर जितनी संख्या में आप आए हो, वो पेंशन है इसलिए नहीं मिल रही आपको कि आप लोग घूमते रहते हो, भोपाल भी जाते हो, पहले ही से व्यवस्था करके जाते हो कि चलो माल चल रहा है माल, और वहां पर कपड़ों की खरीदी करते हैं जो बहुत से लोग पूरा भोपाल छान बैठते हैं, घूमते रहते हैं, उधर ना स्तर पर नहीं रहते। अब जैसे इनकी है तो ये 98 वाले हैं, आप कुछ सोच रहे कि आप 20 हजार रुपए से कहां पहुंच गए आप? 70 हजार। क्यों पहुंचे? क्योंकि छठवें वेतनमान में आपके बेसिक में कितने का गुणा हुआ? 1.86। जो बेसिक आपका 4000 था वो कहां पहुंच गया? 74-40। जिसका 5000 बेसिक था वो कहां पहुंच गया था? 9300। जिसका बेसिक 5500 था वो कहां पहुंच गया था? इनका मूल वेतन पूछ लिया गया तो नहीं बताएंगी, और इन कुछ मैडमों का तो एटीएम तक नहीं रहता इनके पास, दूसरे वेतन निकालते हैं तुम्हारा। अब जब इनका निकालने का खर्च करने का हिसाब नहीं तो लेने का कहां से हिसाब रहेगा? ये तो सोचते हैं कि बस चल रहा है। तो आपका जब 7वां वेतन मान मिला तो 2.57 का गुणा होगा, और आपका स्केल कहां पहुंच गया? 40-50-50 हजार रुपए, 53-53 हजार रुपए स्केल पहुंच गया। आप सोचो कि आपके 8वें वेतनमान में 3.24 का गुणा होगा,
2026 में जो लागू हुआ, अब आपका बेसिक कहां पहुंच जाएगा, कहां पहुंचेगा? आपके बेसिक में यदि 3.24 का गुणा होगा 1.5 लाख पार हो गया उद्धार आपका। जब रिटायर होंगे तो जिसका 50,000 वेतन में रिटायर होगा वो 1,000 प्रति वर्ष के हिसाब से अपनी गणना करेगा। यूपीएस में आपको यूपीएस में 36,000 रुपए पेंशन मिलेगी, ये आज नोट कर ले आप, मासिक पेंशन। और जिसके 15 साल बाकी है उसको लगभग 45,000 रुपया मासिक पेंशन मिलेगी, और जिसके 20 साल बाकी है उसको लगभग औसतन 60,000 रुपए के लगभग उसको पेंशन मिलेगी, और जिसके 25 साल बाकी है वो समझो 70,000-75,000 रुपया उसकी यूपीएस में भी होगा तो उसको मासिक पेंशन उतनी मिलेगी। अब बात यह है कि ये सब चीजें मिलेगी कैसे, जब आपको 8वां वेतनमान लागू हो जाएगा तो, जब आपको यूपीएस लागू हो जाएगी तो। लेकिन यूपीएस लागू कैसे होगी, जब आप नीमच से, कितने कर्मचारी नीमच जिले में, 4,000, और 4,000 में से यदि 3,000 कम से कम भोपाल जाओगे तो तुम्हें मिलेगी। और रही बात आप जो बरिस्ता रिश्ता वाली बात ना, इसका कंफ्यूजन बंद करो, ये क्रमोन्नति के लिए थी, पदोन्नति के लिए थी, उनकी जो बरिस्ता सूची है उस पर उनने बिल्कुल स्पष्ट उल्लेख कर दिया है। और आपको शासकीय कर्मचारी के रूप में पेंशन की भी जो पात्रता थी वो स्टेट कर्मचारी और सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों की थी। आज भी आपके जनपद और जिला पंचायत के जितने कर्मचारी हैं किसी को पेंशन मिल रही क्या, मिल रही? हाँ, लेकिन अपन को क्या करना है, आपको मांग बरिस्ता नहीं करो, बरिस्ता में क्या छेड़ देते, मेरे को छेड़ दिया था उनने, मैं वही बता रहा हूं अनुभव, कि जब मैंने कहा बरिस्ता खत्म हो गई। अब बात आती है IPMS पोर्टल कि इसमें 2018 का ही लिखा, 1 जुलाई 2018 इसमें काहे लिखा नियुक्ति देना, तो इसका कारण यह है 1 जुलाई 2018 लिखने पर किसी का 1 रुपये वेतन कम हुआ क्या, हुआ कम किसी का वेतन 1 जुलाई 2018 लिखने पर? 98 वाले की और 2018 वाले की एक सी वेतन मिल रहा है क्या? यदि नियुक्ति दिनांक 1 जुलाई 2018 सबकी होती, सबकी में पोर्टल में 1 जुलाई 2018 लिखा है ना, लिखा है, 98 वाले को 73,000 का ही मिल रहा है और 18 वाले को 42,000 का ही मिल रहा है, जब उसकी नियुक्ति दिनांक 1 जुलाई 2018 है और तुम्हारी भी 1 जुलाई 2018 है, तो जब सबकी 1 जुलाई 2018 यदि पर नियुक्ति दिनांक है तो वेतन एक समान पद वाले को एक सा वेतन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, मिलना चाहिए ना, फिर काहे कहते हो यार कि बरिस्ता खत्म हो गई, जब आपका वेतन अलग अलग मिल रहा है तो आपका कारण वो है कि जो ग्रेजुटी वहां से नहीं मिल रही उसका कारण है कि आप उधर पर शासकीय कर्मचारी नहीं थे, और शासकीय कर्मचारी के रूप में 5 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के बाद ग्रेजुटी होती है। अब जितने साल बाद आप रिटायर हो गए उतनी ग्रेजुटी आपकी बढ़ती चली जाए, जो अब रिटायर हो उसको ग्रेजुटी का लाभ ना मिले किसी को। यदि किसी को ग्रेजुटी का लाभ ना मिले किसी प्राथमिक माध्यमिक शिक्षक को, तो वो भरत पटेल के पास आ जाना और हमसे ग्रेजुटी ले जाना। इसी प्रकार से पेंशन का मामला, यदि हम अभी 18 से इसका IPMS मामला है, आल कर्मचारी जितना भी कर्मचारी है मध्य प्रदेश का, जितने विभागों का कर्मचारी है उसके लिए वेतन का एक वित्त विभाग का पोर्टल बना हुआ है, IPS पोर्टल। अब इसमें क्या है कि आल कर्मचारी के लिए पोर्टल में
जो वेतन फिक्सेशन उसने बनाया है कि कर्मचारी की नियुक्ति दिनांक 1996 में पांचवा वेतनमान, 2006 में छठवा वेतनमान, 2016 में सातवा वेतनमान, अब वो उसमें सेटअप बना हुआ है, उसके हिसाब से उसकी प्रथम नियुक्ति दिनांक डाली और 2006 से उसने छठवा निर्धारण कर दिया, 2016 से सातवा निर्धारण कर दिया और उसका पेंशन एंशन सब बना दी। लेकिन आपके अध्यापक के लिए यह है कि वो पोर्टल जो है वो आपको 2000 यदि पर आपकी प्रथम नियुक्ति दिनांक डाल देंगे तो वो आपका छठवा कहां से निर्धारण कर देगा, 2006 से। वो सातवा कहां से निर्धारण कर देगा, वो पोर्टल 16 से। इसलिए सरकार का पूरा सेट पर ही बिगड़ जाएगा। इसलिए वो उसको अभी याददाश्त के लिए लिख के रखे है कि ये जो कैडर है वो 1 जुलाई 2018 वाला है, इधर पर आया है इस पोर्टल में, तो वो उसकी याददाश्त की डेट है, ना कि वो नियुक्ति दिनांक डेट है। अब जब तक वो अपना अन्य कर्मचारियों से अलग से पोर्टल तैयार नहीं होता है, तब तक आपका 2016 से छठवा, 2018 से सातवा, ऊपर नियुक्ति दिनांक आपकी शुरू से, तब जब वो लिखेगी तब आपकी दिखाई देगी कि नियुक्ति दिनांक वो है। उससे लिखने से IPMS से ना आपकी ग्रेजुटी में अंतर पड़ना है और ना आपकी पेंशन में अंतर पड़ना है। वो सिर्फ साल में वो रेगुलर जब तक लागू ना हो जाए तो आप पुरानी पेंशन मांगो, यदि धरना में बैठ सकते हो तो मांगो और नहीं बैठ सकते हो तो बात नहीं करो। और यदि UPS चाहिए तो आप भोपाल में 1,00,000 कर्मचारी आने के लिए तैयार रहो। यदि सरकार आपको बुलाती है तो ठीक, और नहीं बुलाती तो अपन को खुद जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, एक बार टाइम निकाल के जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, उठाओ कितने लोग हाथ, अब देखो जाने के लिए, अब देखो कितने जल्दी तैयार, पेंशन के लिए जाने के लिए तैयार है, हाथ तो उठा दिए थे पे, लेकिन उधर पर जे नहीं दिखते जो इधर पर हाथ उठा के जाते हैं। तो साथियों, आप लोग अभी दिसंबर माह में भोपाल में कार्यक्रम होगा, अपन लोग अपनी डिमांड कर दें, सरकार ने उनकी घोषणा की है केंद्र सरकार ने कि वो 1 अप्रैल से लागू करेंगे आप, और आपके आदेश होते होते क्रमति कब मिल पाई, 24, और अबे कछु के मिलिस नहीं है, एरियस नहीं मिल पाए। आप बताओ यदि आपकी पेंशन की अभी घोषणा नहीं होगी तो मिलेगी कब, जब तुम रिटायर हो जाओगे 10 साल बाद। इसलिए आपको पेंशन के लिए 2024 खत्म ना हो और आपको भोपाल जाना पड़ेगा, चलो भाई 2024 में ही हम भोपाल जाएंगे और 2025 में, और उसके बाद जब केंद्रीय कर्मचारियों को UPS की जगह पुरानी पेंशन लागू हो जाएगी तो हम भी उसके लिए अपनी जान कुर्बान कर देंगे, लेकिन UPS की जगह पुरानी पेंशन लेके रहेंगे। और अब हमको बोलना है, वरिष्ठता की बात नहीं बोलना है, IPS की बात नहीं बोलो, आप बोलो कि हमारी प्रथम नियुक्ति दिनांक से पेंशन और ग्रेजुटी के लिए सेवा अवधि की गणना की जाए। आप वरिष्ठता नहीं बोलो, वरिष्ठता सूची में आपकी वो दिनांक डली है, आप सेवा अवधि बोलो उसको, उस शब्द को चेंज करो, आप उसको सेवा अवधि बोलो कि प्रथम नियुक्ति दिनांक से, और मांग को इस प्रकार से रखो कि हमारी सुनो अध्यापक शिक्षक संवर्ग को भी क्रमणति समय वेतन समय मान वेतन मान की भांति प्रथम नियुक्ति दिनांक से सेवा अवधि की गणना करते हुए पेंशन ग्रेजुटी का भी लाभ दिया जाए। जो आपने क्रमणति में गणना की है, जो आपने हमारे समय मान वेतन में गणना की है, वो हमारी पेंशन और ग्रेजुटी में भी गणना करो, ये मांग करें अपन, इसमें अधिकारियों को अपन जवाब दे सकते हैं। और साथियों, आप सभी लोग आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसलिए आप सबको ऐसा भरोसा हो कि तुम मरने वाले नहीं हो रिटायरमेंट के पहले,
तो आप पेंशन एंशन के लिए हिलने डुलने की जरूरत नहीं है। और यदि ऐसा लगता है कि सामने वाला हमारे सामने निपट गया, हम भी कभी भी नंबर लग सकता है आपका, तो पेंशन लागू करवा लो, वो 60% लेना चालू करवा दो अपने, उनको जब रिटायर होना जब देखा जाएगा। और अभी जो सरकार लागू कर रही उसको लागू करवा, और फिर बाद में जो पूरे प्रदेश के देश के कर्मचारियों को लागू होगा उसके लिए अपन संघर्ष करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और यदि 1,00,000 आ जाओगे, सुबह से शाम नहीं होगी, आपकी पेंशन लागू होगी। धन्यवाद, जय हिंद। एक बात और मैं बोल दे रहा हूँ, ट्रांसफर के मामले में एनओसी जारी हो करके और उसके ट्रांसफर फिर से जारी हो, और गुरुजियों को उनकी परीक्षा दे रहे वो साला उन्नयन दिनांक से उनकी भी वरिष्ठता लागू हो, इसके लिए हमारा प्रयास जारी है। धन्यवाद, जय हिंद।